अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले मैगी, लेकिन चाइनीज स्टाइल में। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो सारे चाइनीज रेस्टोरेंट बंद है, तो घर पे ही चाइनीज बनाया जाए। हमें मैगी बनाने के लिए चाहिए, मैंने दो और आधा मैगी लिया है, टू एंड हाफ। फिर हमें चाहिए चार से पांच लहसुन की कलियां, गार्लिक, आधा इंच जिंजर, हाफ इंच 3 to 4 ग्रीन चिली, हाफ शिमला, कैप्सिकम, कैबेज, पर्पल कैबेज, 6 to 7 बीन्स एंड रेड बेल पेपर एंड 1 कैरेट, ऑरेंज वाला गाजर। सो मैंने सबको मैंने स्लाइस में काट लिया है। 2 टीस्पून शेजवान चटनी, 1/2 टीस्पून विनीगर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिल्ली सॉस, और मैंने इसमें मैगी का मसाला भी लिया है। मैंने अभी पानी रख दिया है गरम करने। इसमें मैंने सॉल्ट और 1 टीस्पून ऑयल डाल के मैंने इसको बॉइल होने दिया। अब इसमें मैं मैगी डालूंगी। मैगी डाल दिया है, इसको हम 70% ही बॉइल करेंगे, बाकी 30% बनाते बघार देने के बाद, मीन्स वेजिटेबल्स में बॉइल करेंगे। 70% मैगी पक्के हो गई है। अभी हम इसे कढ़ाई मैंने रख दी है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल और जिंजर गार्लिक। मैंने डाल दिया अभी ग्रीन चिली। अब इसमें हम डालेंगे सारे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में ग्रीन ऑनियन भी रहता है, ग्रीन ऑनियन का पत्ता, बट अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सारे वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो जो वेजिटेबल है मैं उसमें ही बना रही हूँ। हाँ, अगर ग्रीन पत्ता ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, पर टेस्ट बहुत मस्त लगता है। इसको अच्छे से भून कर फ्राई कर लेंगे 2 to 3 मिनट। आप चाहे तो बीन्स अवॉइड कर सकते हैं, बट आई लाइक बीन्स तो मैं प्रेफर करती हूँ डालना, और बीन्स है इसलिए तो 1 से 2 मिनट ज्यादा फ्राई करना है, बिकॉज बीन्स और गाजर जल्दी पकता नहीं। बट इसको पूरा 100% कुक नहीं करना है, जस्ट 60 to 70% ओनली, बिकॉज अगर आप पूरा कुक करोगे तो इसका क्रंच चला जाएगा। इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, विनीगर, चिली सॉस और शेजवान। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला। मैगी मसाला डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा, एक बार ये घर पे ट्राई कीजिए बना के। सॉल्ट मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, बिकॉज पहले ही ऐड किया था सॉल्ट पानी में, जब मैंने वाटर बॉइल करने रखा था मैंने तभी सॉल्ट ऐड किया था, सो मैं अभी नहीं ऐड कर रही हूँ। मैं अभी ऐड करेंगे मैगी। सो डालने के बाद मैंने अच्छे से दो फोक से मिक्स कर लिया है। हमारा मैगी हम नूडल्स बन के रेडी है। अभी उसे हम सर्व करेंगे। रेडी हो गया हमारा मैगी नूडल्स, मैगी इन चाइनीज। सॉरी गाइस, मैं बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, बिकॉज मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली आई एम बैक। मेरा रेसिपी अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। अगर कुछ भी लगता है कि गलत है तो भी आप मुझे बोल सकते हो।
एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए मेरा रेसिपी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी एंड माई चैनल. थैंक यू गाइस. बाय बाय. खुदा हाफिज़.